हेलो दोस्त, मेरा नाम अमन चौधरी, मेरे यूट्यूब चैनल अमन फो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में सपोज आपका अकाउंट है और आपने सपोज वहाँ से एक लोन चल रहा है, जैसे कि कंज्यूमर लोन, होम लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन या जो भी सपोजेड आपका लोन चल रहा है, तो आपका जैसे कि EMI डेट होता है पेमेंट का, ठीक है। एक होता है ऑटोमेटिक आपके बैंक से आपका पेमेंट कट जाता है, ठीक है, और एक होता है मैनुअली, ठीक है। तो अगर आपका सपोजेड EMI डेट है 5 तारीख को और 5 तारीख को आपके अकाउंट से 2 बार डेबिट किया गया पेमेंट, ठीक है, तो कैसे आप उसको रिफ़ंड ले सकते हैं या कैसे उसको उसको कस्टमर केयर में बात करके उसको जो भी होता है अपने लोन अमाउंट में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके कोटक महिंद्रा बैंक में आपका अकाउंट है या लोन चल रहा है, अगर आपकी EMI 2 बार आपके अकाउंट से डेबिट हुआ है, तो कैसे आप उसको बिल में एडजस्ट या रिफ़ंड ले सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे रिलेटेड वीडियो पे चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो, मेरा कोटक में अकाउंट है, ठीक है, मेरा कंज्यूमर लोन चल रहा है कोटक में और मेरा 5 तारीख को ना EMI का डेट होता है, ठीक है, पेमेंट करने का। बट मैं कैसा कि कंज्यूमर लोन एक ऑटोमेटिक मतलब आपके अकाउंट से डेबिट कर लेता है, ठीक है, 5 तारीख को। तो मैंने ना मेरे अकाउंट में 5 तारीख को बैलेंस एक्चुअली नहीं था मेरे पास, तो उन्होंने मैंने उनको पेमेंट नहीं किया। तो मैंने ना मतलब 7 तारीख को अपने अकाउंट में 10,000 रुपये जमा किया, डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करने के बाद में मैंने मैन्युअली गूगल पे से उनका मैंने 7 तारीख को गूगल पे को उनका EMI मतलब पेमेंट मैंने कर दिया, मैन्युअली मतलब खुद से मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो खुद से जब पेमेंट मैंने कर दिया ना 7 तारीख को, तो उन्होंने 8 तारीख को मेरे अकाउंट में बैलेंस था, तो 8 तारीख को जब मेरे अकाउंट में बैलेंस था तो उन्होंने मतलब फिर से वही EMI से उतना ही अमाउंट से 8 तारीख को भी डेबिट कर लिया, ठीक है। तो बात यह हुआ कि मेरे अकाउंट से दो बार अमाउंट डेबिट हुआ है EMI का, ठीक है। तो अभी हम मुझे क्या करना पड़ा इसमें कि मेरे अकाउंट से 2 बार EMI डेबिट हुआ, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि हमें ना इसमें कस्टमर केयर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप मैनुअली पेमेंट करोगे तो कैसा आपको 3 दिन का टाइम लगता है, 3 दिन आपके जो लोन अकाउंट होता है उसमें रिफ्लेक्ट होने के लिए मतलब शो होने के लिए। सेकंड थिंग ये ना कि आप अगर बैंक डेबिट करती है तो वो सेम डे पे रिफ्लेक्ट हो जाता है आपके अकाउंट में। तो इसके लिए गलती क्या हुआ कि मैंने मैनुअली पेमेंट किया था। तो आप फर्स्ट थिंग गलती मत करना कि आप कोई मैनुअली पेमेंट कर रहे हो लोन का, और सेकंड थिंग ये कि बैंक अपने आपके अपने बैलेंस अपने अकाउंट में जो बैलेंस है ना उसको मेंटेन रखो, तो आपके अकाउंट से जब आपका EMI डेट रहेगा तो पेमेंट कर लेगा, मतलब ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा, फिर आपका दोबारा आपके अकाउंट से बैलेंस नहीं काटा जाएगा। सेकंड थिंग बात करते हैं ना कि आपके अकाउंट से अगर 2 बार EMI डेबिट हुआ है तो कैसे इन्फॉर्म करेंगे। देखो, पहला तो आपका एक लोन चला गया, ठीक है, सेकंड आपका जो सेम अमाउंट डेबिट हुआ था वो आपका बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस है। तो उसके लिए ना मैंने एक देखो मैंने ना कल कस्टमर केयर से बात किया था, और कस्टमर केयर से बात करने के बाद में मैंने उनको इन्फॉर्म किया, ठीक है, मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि मेरे अकाउंट से 2 बार ये अमाउंट का डेबिट हुआ है EMI का, तो प्लीज़ मुझे रिफ़ंड कीजिए। तो उन्होंने देखो यहाँ से रिक्वेस्ट लिया मेरा, देखो यहाँ पे लिखा है, डियर कस्टमर दिस इज़ इन्फॉर्म यू दैट रेफरेंस टाइप हैज़ बीन रजिस्टर, रेफरेंस नंबर इतना है, कस्टमर नेम रिफंड, देखो यहाँ पे लिखा है रेफरेंस टाइप, तो यहाँ रेफरेंस टाइप में क्या लिखा है, रिफंड एक्सक्यूज EMI डेबिट, ठीक है। डेट रिक्वेस्ट दिया गया 9 जुलाई 2022 को 4:19:22 पे, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है आई थैंक यू फॉर रिपोर्टिंग फॉर कोटक महिंद्रा बैंक रेफरेंस टू योर लोन अकाउंट का लोन अकाउंट नंबर, ठीक है, 10 सर्विस रिक्वेस्ट नंबर फॉर योर रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर इतना रिफंड एक्सक्यूज EMI विच यू इन्फॉर्म दैट यू कस्टमर केयर टीम इज लुकिंग योर रिक्वेस्ट एंड small get back to you 5 working days from today। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आपका जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट हमने डेबिट किया था EMI का, और हम आपको 5 day working में रिफंड कर देंगे, जिस अकाउंट से डेबिट है उस अकाउंट में आपको शो हो जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे आप कस्टमर केयर का नंबर मैं आपको, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कस्टमर केयर का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। टोल फ्री नंबर है, कोई चार्जेस नहीं है। आप अपने कस्टमर केयर से कॉल करके बात करके, कंज्यूमर लोन के डिपार्टमेंट का डायरेक्ट नंबर है मेरे पास, तो आप उस नंबर पर कॉल कीजिए। कॉल करने में डायरेक्ट आप बात कीजिए, आपका कोई भी एक रुपया चार्ज नहीं होगा, आपका जो भी पेमेंट रहेगा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, ऐसे रिलेटेड वीडियो पर चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।